पीलीभीत में आवारा सांड ने हमला करके महिला को घायल कर दिया। आनन फानन में ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो जिला अस्पताल में गंभीर रूप से घायल महिला को घंटों स्ट्रेचर पर लिटाए रखा। सूचना पर पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर जिला अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए डॉक्टर को खरी खोटी सुनाकर उच्च अधिकारियों से महिला का इलाज करने की मांग की, लेकिन गंभीर रूप से घायल महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना थाना गजोरा क्षेत्र के पीपरिया भजा गांव की है। पीलीभीत से ईश्वरी प्रसाद की ये खास रिपोर्ट। जिला अस्पताल आए, जिला अस्पताल में एक महिला की हालत गंभीर थी, क्या पूरा मामला बताइए। ये हमारे क्षेत्र पीलीभीत की सावित्री देवी है, पीपरिया भजा गांव की, जिसे सांड ने मार दिया, जिससे उसका पेट फट गया, उसकी आंतें बाहर आ गईं और उसे ये लोग जिला अस्पताल लेकर आए। पिछले 2.5 घंटों से उसे यहाँ पर डाले हुए हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ अभी तक, और जिला अस्पताल में सर्जन भी हैं, तमाम सारी सुविधाएं भी हैं, और इमरजेंसी के लिए और डॉक्टर को कॉल भी किया जा सकता है, बाहर से भी डॉक्टर को सर्जन को बुलाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ खाना पूरी करके अपना पल्ला झाड़ के और मरीजों को परेशान करके मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं, कहीं पर कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। इस बीजेपी सरकार में जहां स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल तो है ही, और साथ में जो डॉक्टर लोग हैं वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं, जो डॉक्टर हैं वो बिल्कुल हैवान बन चुके हैं, इमरजेंसी में बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है, डॉक्टर यहाँ पर गप्पे मारते हैं। यहाँ पर बीते दिनों जिलाधिकारी ने निरीक्षण भी किया था और जिला अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की बात कही, क्या कहेंगे। तमाम सारे चाहे जिलाधिकारी हो चाहे कोई हो, जिलाधिकारी जी का तो मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन भी नहीं उठ पा रहा उनका, तो ये सब अधिकारी कहीं ना कहीं ये सब अपना टाइम पास कर रहे हैं, और ऐसी गूंगी बहरी सरकार जहां पर अब ये सीएमओ के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, तमाम सारी पहले से भी शिकायतें हैं कि यहाँ के जो मरीज़ हैं उनको रेफ़र किया जाता है प्राइवेट अस्पतालों में, वहाँ पर इन लोगों का कमीशन बंधा हुआ है सीधे, तो ये सब लोग कहीं ना कहीं जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं और मरीजों के साथ जो जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, और ये इनकी संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ज़रूर आने वाले समय इनको सबक सिखाया जाएगा, और ये जो महिला इन्होंने अभी प्राइवेट कहीं पर भिजवाया है, उसको इतना सब कुछ कहने के बाद उसे अपनी एम्बुलेंस से भिजवाया है, तो हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो महिला बच जाए, लेकिन यहाँ सब भगवान भरोसे है, कहीं पर भी कोई सुनने वाला किसी की नहीं है।